हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एच डी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोसिस चल रही है। देन हम हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोसिस में कर्ड मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसमें हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ये हमने लेआउट बनाया था। देन इसका यूज़ करते हुए हमने हमारे डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट किया था, लेकिन हमने जो डेटा इंसर्ट किया था वो नॉर्मल इंसर्ट किया था। हमने इसमें वैलिडेशन नहीं लगाई थी कि अगर कोई चीज़ फील्ड एम्प्टी रह जाती है तो हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस पर वैलिडेशन किस तरह से लगा सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका इंसर्शन का कोड। तो ये है हमारा कंट्रोलर कर्ड ऑपरेशन। देन इसके अंदर एक मॉडल लोड किया हुआ है मैंने सबसे पहले, तो मैं आपको मॉडल बता देता हूँ कि इस मॉडल में क्या है। हम चलते हैं मॉडल के अंदर, ये है हमारा मॉडल और ये है हमारा कर्ड मॉडल डॉट पीएचपी। और इसके अंदर हमने एक एड डेटा नाम से फंक्शन बनाया जो दो पैरामीटर लेता है, पहला टेबल का नेम देन सेकेंड डेटा। टेबल के नेम और डेटा के बेस पर वो डेटा इंसर्ट करता है हमारी टेबल में, जो हम टेबल देते हैं उसमें डेटा इंसर्ट करता है। देन इसे हमने कॉल किया हुआ है हमारे कर्ड नाम का जो हमारा कंट्रोलर है उसके अंदर एड यूज़र मेथड है। इसके अंदर हमने यहाँ पर से कॉल किया है कि हमारे पास जो भी डेटा मिलता है हम उस मॉडल का यूज़ करते हुए डेटा बेस में इंसर्ट कर देते हैं। देन अगर सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो हम यहाँ पर मैसेज सेट करते हैं यूज़र सक्सेसफुली एडेड, देन अदरवाइज हम देते हैं नॉट एडेड। तो हम एक बार डेटा इंसर्ट करके देखेंगे। तो हमारे पास जो व्यू है वो है यूज़र लिस्ट। तो हम इस यूज़र लिस्ट नाम के व्यू को भी ओपन करते हैं। देन हम व्यू के अंदर जाते हैं और कर्ड के अंदर यूज़र लिस्ट, तो ये है हमारा व्यू। तो अब हम इस व्यू का यूज़ करते हुए सबसे पहले डेटा इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम उस पर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो ये है हमारा डेटाबेस सी आई ट्यूटोरियल, इसे हम ओपन करते हैं। देन इसके अंदर एक मेथड, सॉरी हमारे पास एक टेबल है यूज़र्स नाम से, तो हम इसे ओपन करेंगे। देन इसके अंदर अभी हमारे पास दो डेटा है, हम एक और डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ देंगे हम टेस्ट और यहाँ पर देंगे हम test@gmail.com। देन यहाँ हम नंबर दे देंगे और अब करते हैं हम इसे ऐड। तो ये देखिए मैसेज आ चुका है यूज़र सक्सेसफुली एडेड। देन अगर हम यहाँ पर रिलोड करें तो यहाँ पर अभी भी मैसेज आ रहा है, यहाँ पर डेटा आ चुका है। देन अगर हम इसे ब्लैंक इंसर्ट कर दें तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है यूज़र सक्सेसफुली एडेड। देन अगर हम यहाँ इसे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो हमें इस इशू को रोकना है और हमें इस पर वैलिडेशन लगाना है, देन डेटा इंसर्ट करना है। तो आइए हम इस पर वैलिडेशन लगाते हैं कि अगर कोई फील्ड ब्लैंक हो तो उसे किस तरह से हम रोकेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर। देन एड यूज़र मेथड है जो हमारा ये फॉर्म है सबमिट होता है, तो हम एड यूज़र पर जाते हैं। तो हम इस एड यूज़र पर वैलिडेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी लोड करना होगी। तो हम यहाँ पर लोड करेंगे लाइब्रेरी डॉलर दिस लोड लाइब्रेरी, हमने लाइब्रेरी ऊपर ऑलरेडी लोड की हुई है। तो हम इसमें एक एरे पास कर देंगे और यहाँ पर हमने सेशन लोड की हुई है। हम सेशन के साथ एक और लोड करेंगे फॉर्म वैलिडेशन। देन फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर रूल सेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे डॉलर दिस फॉर्म वैलिडेशन, देन सेट रूल्स, और यहाँ पर हम हमारी तीनों फील्ड के नाम देंगे। सबसे पहले हम देंगे हमारी फील्ड का नाम, देन उसके बाद जो डिस्प्ले में नेम होना चाहिए वो देंगे। तो हम यहाँ देंगे नेम और यहाँ पर हम देंगे हमारा रूल रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। देन इसी तरीके से हम हमारी दो फील्ड और है मोबाइल नंबर और ईमेल, उनके लिए भी देंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर भी हम देंगे मोबाइल नंबर। देन मोबाइल नंबर के बाद होगी ईमेल, यहाँ पर हम देते हैं ईमेल, देन ईमेल। और इसके बाद हमें इसे रन करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ डॉलर दिस फॉर्म वैलिडेशन, देन इसे हम करेंगे यहाँ पर रन फंक्शन को यूज़ करते हुए रन। और अगर ये ट्रू होती है मतलब हमारे इसमें डेटा है तो हमारा इफ ब्लॉक चलाएंगे और डेटाबेस में जो डेटा है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। देन इसे हम यहाँ से देते हैं टेब, अदरवाइज हम एल्स पर आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर वैलिडेशन अंडरस्कोर एरर्स, और इस एरर्स को हम यहाँ करते हैं प्रिंट। देन इस रिडायरेक्ट को भी हम यहाँ पर रोक देते हैं। देन हम यहाँ लगाते हैं इसे कमेंट। देन अगेन हम चेक करते हैं कि अब हमारे पास डेटा इंसर्ट होता है या एरर आती है। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे एड पर तो ये देखिए नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मोबाइल नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, देन ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है।
तो अब हमें इस एरर मैसेज को हमारे इसी पेज पर शो करना है, हमें जो हमारा ये करंट पेज है कर्ड वाला, तो इस पर हमें इसे शो करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे करेंगे कमेंट और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमारे यहाँ पर। देन यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर सेव, एंड इसे हम यहाँ से अनकमेंट करेंगे जो पेज हमारा रिलोड हो रहा है। देन अगेन इसे करते हैं हम रिलोड। देखिए अभी कोई हमारे पास एरर नहीं है, हम इसमें डेटा फिल करते हैं। तो हम इसे एक फील्ड को रखते हैं ब्लैंक, देन रिलोड करेंगे तो हमारे पास एरर मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन एक और निकालते हैं कि इसे हम दे देते हमारे इस इफ ब्लॉक के अंदर रिडायरेक्ट को। देन साथ ही साथ जो हमारी एरर है उसके लिए हम यहाँ पर व्यू लोड करेंगे सबसे पहले। तो हम इस व्यू को लोड करेंगे यहाँ पर और इसके साथ हम पास करेंगे वैलिडेशन की एरर्स को। तो यहाँ पर हम एक एरे बनाते हैं, देन इसमें देते हैं एरर और इसके अंदर हम असाइन कर देंगे वैलिडेशन के अंदर जो एरर्स आ रही है। देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पास और उस एरर को हम प्रिंट करेंगे हमारे इस व्यू पर डॉलर एरर्स। देन इसे करते हैं हम रिलोड। तो हमारे पास इस पे से हमारा डेटा रिमूव हो चुका है सारा, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसे करते हैं कमेंट, देन अगेन रिलोड करेंगे तो अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा है। एंड हमने यहाँ से हटा दिया ऐसे पूरी तरीके से, इसलिए हमारा ये व्यू होना बंद हो गया, हमने यहाँ से कट कर दिया था इसे। तो यहाँ पर हम इसे करेंगे और यहाँ पर हम इसे ब्लैंक असाइन करेंगे। देन इसे करते हैं हम रिलोड। तो देखिए हमारा ये पेज लोड हो चुका है। देन अगेन हम इसमें जो नेम है उसे ब्लैंक रखते हैं, देन रिलोड करते हैं। तो अभी भी ये प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर हमारा मैसेज, क्योंकि हमने यहाँ पर पास भी किया है, देन एरर्स भी दिए और हम एड यूज़र के अंदर भी है, फिर भी हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि कमेंट है ये। देन लोड करेंगे तो देखिए द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। देन इसके बाद हम अगर सारा डाटा इसके अंदर दे देते हैं, देन क्लिक करते हैं तो देखिए यूज़र सक्सेसफुली एडेड। देन अगर हम सारी फील्ड ब्लैंक छोड़ते हैं तो देखिए द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द मोबाइल नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, देन ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से इस पर वर्क करती है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास एक और इशू आ रहा है कि हम जब भी इसके अंदर कोई नेम देते हैं, जैसे हमने इसके अंदर ईमेल को ब्लैंक छोड़ा और अगेन यहाँ पे हमने ऐड किया, तो देखिए द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है। लेकिन हमने तो केवल ईमेल को ब्लैंक छोड़ा था, हमारे नेम और इसके अंदर तो डेटा था, तो हमें इस डेटा को सेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को लिखेंगे वैल्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे एको सेट अंडरस्कोर वैल्यू। देन इसमें हम हमारी फील्ड का नाम लिखेंगे नेम, देन इसके बाद हम इसे करते हैं कॉपी और इसके बाद हम सेकेंड देंगे ईमेल, देन इसके बाद होगा मोबाइल नंबर। देन सेव करेंगे, अगेन इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारे पास दो फील्ड आ चुकी है, हमारे पास नेम और मोबाइल नंबर आ चुका है। हम इसमें ईमेल फिल करते हैं, देन अगेन ऐड करेंगे तो ये देखिए सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम इसमें नेम दे देते हैं केवल, बाकी के हम ये दो फील्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं, तो हमारा पेज रिलोड होने का इसमें नेम हमें शो होगा और दो फील्ड के हमारे पास एरर आएगी। तो देखिए द मोबाइल नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, देन द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ईमेल और मोबाइल नंबर फील्ड एम्प्टी है, देन नेम के अंदर डेटा आ चुका है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी वैलिडेशन वर्क करती है। इसमें अगर आपका पेज लोड भी हो जाता है तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए सेट कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर एक ही रूल यूज़ करा है रिक्वायर्ड, इसके अलावा बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे ईमेल के लिए वैलिड ईमेल होता है, देन मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ भी होता है। तो उसके लिए आप गूगल पे जाएँ, देन कोऑर्डिनेटर वैलिडेशन रूल सर्च करेंगे तो आपको इसके सारे रूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसका पूरा एक चार्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट एक चार्ट मिलेगा। देन हम इसे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास पूरा चार्ट आ चुका है।
किस तरीके से लगाना है आपको, यहाँ पर पूरा सिंटेक्स दे रखते हैं इसका, और किस चीज़ का देखिए रिक्वायर्ड मैच है, देन यहाँ पर पैरामीटर है, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप इसे लगा सकते हैं यहाँ से आप लेके, और किस तरह यूज़ करना है सारी इसमें प्रोसेस होती है। तो इतने तरह के इसके अंदर रूल होते हैं, आप इसे अपनी कंडीशन अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि हम किस तरीके से इसमें वेलिडेशन लगा सकते हैं। हमने डेटा इंसर्ट किया है इसके अंदर, देन डेटा को यहाँ पर हमने वेलिडेट किया है, और हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। देन फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में डेटा को हमारे इस टेबल में शो करेंगे, देन साथ ही साथ हम उसे डिलीट और अपडेट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें, और अगर आप कोऑर्डिनेटर में प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं या लारावेल में कोई प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर प्रोजेक्ट ट्यूटर अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके आप कोऑर्डिनेटर में प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं, देन एंगुलर लारावेल का यूज़ करके भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।